क्या आपने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सैटेलाइट आसमान पे देखे? काफी सारे लोगों ने तो देखे हैं। स्पेसएक्स जमीन के मदार में हजारों सैटेलाइट छोड़ रही है और ये सब कुछ एलन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है, जिसका मकसद जमीन के दूर दराज इलाकों में फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। स्टारलिंक सैटेलाइट के एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका मकसद उन लोगों को फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना है जो या तो जमीन के दूर दराज इलाकों में रहते हैं या फिर छोटे मोटे देहातों में जहाँ पे फास्ट इंटरनेट सर्विस नहीं होती। वैसे तो इस प्रोजेक्ट में यूके के लोग भी शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर अफ्रीका जैसे रीजन से लोग शामिल हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इन सैटेलाइट को जमीन की निचली सतह के मदार में छोड़ा गया है ताकि इन सैटेलाइट और जमीन के दरमियान कम्युनिकेशन स्पीड को जितना पॉसिबल हो तेज या जल्दी बनाया जा सके। जमीन के गर्द कम्प्लीटली कवरेज के लिए बहुत ज्यादा तादाद में लो लेवल सैटेलाइट्स की जरूरत है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एलन मस्क की कंपनी ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 3000 छोटे सैटेलाइट जमीन के मदार में भेजे, जबकि वो इस प्रोजेक्ट के लिए 10 से 12000 और सैटेलाइट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दरअसल सैटेलाइट्स को यूज करते हुए दुनिया के दूर दराज इलाके जैसे कि सहरा, पहाड़ी इलाके वगैरह पर इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, और इसकी वजह से इंटरनेट के लिए जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगाए जाते थे जैसे कि तारे और खंभे, उनकी भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विसेज के मुकाबले में स्टारलिंक बहुत महंगा है। इसकी मंथली फीस $99 है और सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाली डिश और राउटर की प्राइस अमेरिका में $549 है। एलन मस्क की कंपनी का कहना है कि इनके पास इस वक्त 36 कंट्रीज में 400,000 यूजर्स हैं, जिनमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से भी लोग हैं, जिसमें दोनों ही यूजर्स हैं, डोमेस्टिक भी और बिजनेस यूजर्स भी। तो अब स्टारलिंक अगले साल तक अपने नेटवर्क को फैलाना चाहता है, जिसके बाद वो अपने फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विसेज अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया में भी प्रोवाइड करेगा। ये वो इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सर्विस और कवरेज ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विसेज रेट्स शायद अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो, लेकिन दूर दराज इलाकों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में कॉन्टेक्ट में रहने के लिए इसको यूज किया ही जा सकता है। और इन सब के अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में एलन मस्क यूक्रेन का साथ दे रहे हैं? जैसे ही रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की, उन्होंने यूक्रेन की इंटरनेट सर्विसेज बंद करने की और सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करने की कोशिश की, तो एलन मस्क ने रूसी हमले के बाद यूक्रेन में स्टारलिंक की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी और अब तक स्टारलिंक की तकरीबन 15,000 डिशेज और राउटर यूक्रेन भिजवाए जा चुके हैं। यहां तक कि स्टारलिंक ने जंग के दौरान भी यूक्रेन में कनेक्शन टूटने नहीं दिए और मुल्क में जहां पब्लिक सर्विसेज हुकूमत चल रही थी ना, उसी तरह इंटरनेट भी चलता रहा और रशियंस को इसे बंद करने का कोई तरीका भी नहीं मिला। यानी कि स्टारलिंक इंटरनेट को मैदान जंग में भी यूज किया गया है। तो यूक्रेनी फोर्सेस इसे फौजी हेडक्वार्टर्स और सोल्जर्स के आपस में कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। इसके सिग्नल्स को जैम नहीं किया जा सकता जैसे कि आम रेडियो सिग्नल्स को किया जा सकता है, और इसे सेटअप करने में सिर्फ 15 मिनट ही लगते हैं। लेकिन जहां इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी तो होंगे ना। तो स्टारलिंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टारलिंक के साथ साथ इसके कॉम्पिटिटर्स कंपनीज वेन वेब और वायासेट भी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जमीन की निचली सतह के मदार में हजारों सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा सब करने से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि सैटेलाइट्स के आपस में टकराने की सूरत में ये हला को बहुत इनसिक्योर बना देंगे। और इन सब के अलावा सैटेलाइट्स दूसरी चीजों से भी तो टकरा सकते हैं, और इस सिचुएशन में इनके टुकड़े और मलबा हाई स्पीड से स्पेस में घूमते हुए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब हाल ही में ऐसे चंद इंसिडेंट्स हुए भी हैं जहां ये सैटेलाइट्स टकराने से बाल बाल बचे, जिनमें चाइना का स्पेस स्टेशन भी शामिल है जिससे स्टारलिंक का सैटेलाइट्स टकराने से बाल बाल बचा। अगर जमीन की निचली सतह के मदार पर बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए तो फ्यूचर में ये इस मदार को बिल्कुल यूजलेस बना देगा और हम निचली सतह के मदार से जमीन की उचली सतह के मदार तक पहुंच ही नहीं सकेंगे जहां हमारे टेलीकॉम और गाइडेंस के सैटेलाइट्स मौजूद हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि हम इसको इंसानी आंख से भी देख सकते हैं। सनराइज और सनसेट के वक्त ये इंसानी आंख से देखे भी जा सकते हैं, क्योंकि इनके परों पर सूरज की रोशनी पड़ने से ये इजीली नजर आ जाते हैं। ये टेलीस्कोप के जरिए स्टार्स और प्लैनेट्स की इमेजेस लेने में भी बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। और इस सब के अलावा स्टारलिंक के सैटेलाइट एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। वैसे तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मसले को बहुत पहले ही भांप लिया था और उन्होंने इसकी शिकायत भी सबसे पहले ही की थी, लेकिन अब देखना यह है कि आखिर इसका सोल्यूशन कब निकलेगा और क्या निकलेगा।